हम इसकी पिछली कक्षा में आपको प्रमेय 68 बता रहे थे, शुरुआत किए थे प्रमेय 68। प्रमेय 68 का कथन है, आप लिख चुके हैं। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए तथा बी पर इस पर प्रतिच्छेद करती है। कथन फिर से मैं लिख दूंगा एक बार। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। और पीटी वृत्त की स्पर्श रेखाखंड हो। तो पीटी इंटू पीबी पीए इंटू पीबी, तो पीए इंटू पीबी बराबर पीटी का बल, यह हमें सिद्ध करना है। इस कथन में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु ओ, वृत्त की पी ए बी अर्थात बाह्य बिंदु पी से एक छेदक रेखा खींचा गया पी ए बी जो वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। और पी टी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु टी पर स्पर्श करती है। तो दिया है पी ए बी, पी ए बी वृत्त सी ओ आर की छेदक रेखा है तथा पी टी स्पर्श रेखा खंड है। सिद्ध करना है, ये आपको बताया जा चुका था, फिर से मैं लिख रहा हूं कि पी ए बी वृत्त सी ओ आर की छेदक रेखा है तथा पी टी स्पर्श रेखा खंड है। तब हमें सिद्ध करना है पी ए इंटू पी बी पी टी का वर्ग। इनके अलावा दिया है जो प्रमेय में, प्रमेय का जो कथन है उसका पहला भाग देखिए, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है हमने लिखा, पी टी स्पर्श रेखा खंड है। तब सिद्ध करना है, तो प्रमेय का पहला भाग यहां तक दिया हुआ है, शेष भाग पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का वर्ग हमें सिद्ध करना है। इस चित्र में पी ए बी और पी टी के अलावा इसके अतिरिक्त जो हमें अलग करना होगा उसको रचना के अंतर्गत लिखेंगे। क्या करेंगे देखिए, बिंदु ओ, वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से जीवा ए बी पर, जीवा ए बी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वृत्त की परिधि के दो बिंदु ए और बी को
मिलाने वाले का रेखा ए बी हो गया। पी ए बी जो है वृत्त के परिधि को दो बिंदु पर काटती है और परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो अब इसको हम जीवा कहेंगे ए से बी तक के भाग को, और जीवा ए बी पर लंब डाला गया ओ एल। ये देखिए ओ एल लंब डाला, ओ से ए को मिलाया, ओ से पी को मिलाया तथा ओ से टी को मिलाया। ओ एल लंब ए बी खींचा तथा ओ से ए पी तथा टी को मिलाया। ए पी तथा टी को मिलाया। पिछली कक्षा में इतना काम हम कर चुके थे, आपको बताया जा चुका था। अब इसके आगे की उपपत्ति जो आपको बताना शेष था, उपपत्ति देखिए। अब उपपत्ति के लिए वैसे ही दो कॉलम बना लेंगे, कथन और कारण के। एक कथन दूसरे पक्ष में कलम में इसका कारण हो जाएगा। तो उपपत्ति के लिए अर्थात इस प्रमेय को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, वो सिद्ध करने के लिए अब हम जो दिया हुआ है कथन जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। पी ए इंटू पी बी, यहीं से शुरुआत करते हैं। पी ए इंटू पी बी बराबर। अब चित्र में ध्यान से देखिए, आपके ब्लैक बोर्ड में जो चित्र बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए। PA और PB दोनों को हम AL के पदों में व्यक्त करेंगे। क्या लिखा जा सकता है देखिए, इस प्रकार से एक रेखा खींचा हुआ है P, यहां बिंदु L है, ये बिंदु A है, PAL L तक। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, PA को टोटल P से L तक की लंबाई, PL की लंबाई में से यदि हम AL की लंबाई को घटा दें, PL की लंबाई में से AL की लंबाई को घटा दें तो शेष बचेगा वो PA कहलाएगा। तो PA इक्वल इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, PL माइनस AL, या PL में PL की लंबाई में से AL को घटा दिया। इसको लिखा जा सकता है PA के जगह में PL माइनस AL। ये स्पष्ट समझ में आ गया आपको। पी ए चित्र के अनुसार से देखिए, मैंने अलग से चित्र भी बनाया था इसी चित्र को। पी से एल तक मैंने बताया आपको कि पी ए को हमको ज्ञात करना है। तो पी ए के लिए पूरी लंबाई पी एल में आधी लंबाई ए एल को घटा दिया, पी एल की लंबाई में से शेष कुछ एल लंबाई को घटाया, तो शेष लंबाई जो बचा पी ए, तो पी ए बराबर इसको लिखा जा सकता है पी एल माइनस ए एल। ऐसे ही पी बी, पीबी को लिखा जा सकता है पीबी। अब इसी चित्र में देखिए, इसी के आगे पीबी बीबी है, ये देखिए पी ए एल पी, पी से बी तक टोटल। अब इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए ऐसा लेते हैं, यहां बिंदु एल है, अब इसको क्या कहेंगे पीबी। तो पी से बी तक पहुंचने के लिए टोटल पीबी की लंबाई को ऐसे प्रकार से बांट सकते हैं पी एल एल बी, पी से एल, एल से बी, तो ये हो जाएगा पी एल धन एल बी। ये स्पष्ट समझ में आ गया आपको। पी ए पहले बताया, फिर पीबी का मान हो जाएगा पी एल प्लस एल बी। ये लिखेंगे यहां देखिए पी एल धन एल बी। अब ये कहां से, जैसा कि चित्र में दिख रहा है हमने लिखा इसको चित्र से स्पष्ट हो गया। इसको मिटा दूं, अब पी ए इंटू पी बी, तो पी एल माइनस ए एल इंटू पी एल प्लस एल बी। अब आगे देखेंगे,
जीवा ए बी, आपको एक प्रमेय बताया गया था वृत्त के केंद्र से, याद कीजिए इसके पहले कालखंड में, दो तीन कालखंड पहले पढ़ाए थे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभक्त करती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभक्त करती है। उसमें आपको मैं बताया था इस प्रकार से चित्र, याद कीजिए, ये वृत्त लिया था, इस पे जीवा लिया था ए बी, बिंदु ओ और ओ से लंब डाले थे, ओ सी लंब है। तब हमने क्या सिद्ध किया था, याद कीजिए, एक चित्र बनाया था, उसके बाद हमने बताया था कि ए सी बराबर बी सी, यहाँ पे हमने सिद्ध किया था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को समान दो भागों में बांटती है, जिस बिंदु पर लंब होती है उस बिंदु से जीवा को समान दो भागों में बांटती है, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं। लंब किस बिंदु पर लंब है, सी बिंदु पर, तो ए बी जीवा की लंबाई ए सी और ए बी जीवा की जो लंबाई है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, ए सी और बी सी, और दोनों की लंबाई समान होगी, ए सी और बी सी, जीवा की आधी लंबाई ए सी और शेष लंबाई बी सी, दोनों आपस में समान होगी। अब यहाँ पर देखिए केवल नाम बदला हुआ है, जीवा ए बी अभी भी है, सी के जगह बिंदु एल आ गया, तब हमने क्या कहा, देखिए ओ से लंब डाला, ये देखिए ओ एल लंब है ए बी पर, ये लंब का संकेत है। इस प्रकार का जो संकेत बनाया जाता है वो लंब का संकेत है, तो ओ एल ए बी पर लंब है, अर्थात ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला गया, तो डाला गया लंब जिस बिंदु पर लंब होता है उस वह बिंदु जीवा को समान दो भागों में बांटता है, तो जीवा के कितने हिस्से हो गए, ए बी जीवा के एक हिस्सा हो गया ए एल, दूसरा हिस्सा हो गया एल बी, दोनों आपस में समान होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एल बराबर एल बी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहां पे चलेंगे, देखिए पी एल माइनस ए एल इंटू पी एल प्लस ए एल, क्या किया, एल बी की जगह हमने लिखा ए एल, क्यों, उसका कारण यहां बताएंगे हम, क्योंकि एल बी एल बी इक्वल ए एल, क्योंकि ओ एल लंब है ए बी पर, ओ एल ओ एल लंब है ए बी पर, और प्रमेय का कथन आपको लिखना चाहिए, जो भी हम प्रमेय लिख के कथन का उपयोग करते हैं वो प्रमेय का कथन कारण वाले कॉलम में पूरा लिखना चाहिए। तो चित्र में एल बी की जगह हमने ए एल लिखा, क्योंकि एल बी और ए एल समान होते हैं, उसका कारण मैंने बताया कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है, तो लंब कौन सा, ओ एल जीवा ए बी, तो ओ एल ए बी पर लंब है, तो जिस बिंदु पर लंब होता है वह बिंदु जीवा को समान दो भागों में बांटता है, ए एल इक्वल एल बी, कौन सा प्रमेय का कथन, उसका कथन लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभक्त करती है, समान दो भागों में बांटती है। अब उसके अगले स्टेप में देखिए, यहां से लिखेंगे, इन दोनों कोष्टक में ध्यान से देखिए, दोनों पद वही हैं, पी एल ए एल पी एल ए एल, इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ये व्यंजक, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अक्सर इस व्यंजक का हम प्रयोग करते हैं, ये गुणनखंड सूत्र है,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका गुणनखंड होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग हम बहुत सारे प्रश्नों में उपयोग भी करते हैं। बिल्कुल देखिए, ये ए माइनस बी ए प्लस बी के जैसा ही है, तब इसके जगह हम लिख सकते हैं ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ए की जगह आपके इस प्रमेय में कौन सा पद आया है, ए के स्थान पर पी एल है, तो इसको हम लिखेंगे पी एल का वर्ग माइनस बी के स्थान पर ए एल है तो ए एल का वर्ग। ये स्पष्ट हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी हो, यदि a माइनस बी ए प्लस बी है तब इसको हम a का वर्ग माइनस बी का वर्ग पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा पहला पद a, a इक्वल पी एल, तो पी एल का वर्ग माइनस ए एल का वर्ग। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, इसका कारण आप यहां पे बता दीजिए, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। जहां भी आपको लगता है कि उसका कारण बताना आवश्यक है, कारण बताते चलेंगे, ये स्टेप हमको मिल गया। अब आगे देखिए, अभी हम कहां तक पहुंच गए, पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल का वर्ग माइनस ए एल का वर्ग, समीकरण नंबर एक। अब पी ए इंटू पी बी इक्वल, अब ये देखिए ओ एल लंब है, तो पी से देखिए पी त्रिभुज पी ओ एल, पी ओ एल एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इस जो इस बिंदु पर समकोण बनाता है, तब समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी, ओ पी, पी समकोण त्रिभुज पी ओ एल में संपूर्ण त्रिभुज पी ओ एल में ओ पी ओ पी कर्ण भुजा, ओ एल लंब और पी एल आधार, हमको मान चाहिए पी एल अर्थात आधार का वर्ग, पी एल का वर्ग पी एल जो है त्रिभुज पी ओ एल के लिए, त्रिभुज पी ओ एल के लिए पी एल आधार भुजा है। पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़े हैं आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, तो उसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण भुजा कौन सा हो जाएगा, ओ पी, लंब भुजा ओ एल, इसको हम पी एल को लिख सकते हैं पीएल का वर्ग बराबर कर्ण भुजा ओपी का वर्ग माइनस कर्ण भुजा ओपी का वर्ग माइनस लंब भुजा ओएल का वर्ग। पीएल की जगह ओपी का वर्ग माइनस ओएल का वर्ग, ये पीएल का मान माइनस। अब एएल का मान लिख रहे हैं, देखिए एएल त्रिभुज एओएल में देखिए ये भी संकोण त्रिभुज बना, देखिए संकोण त्रिभुज ए ओ एल में ओ एल लंब ए एल आधार और ओ ए कर्ण, कौन से त्रिभुज में ए ओ एल में, तो ए ओ एल में ए ओ एल संकोण त्रिभुज में संकोण के सम्मुख भुजा लंब कर्ण भुजा कहलाएगी, तो ओ ए भुजा कर्ण हो गई, भुजा ओ ए कर्ण है, हमको मान चाहिए ए एल का, ध्यान से देखिए ए एल, ए एल हो गया आधार भुजा, तो आधार भुजा का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण भुजा इसमें क्या पढ़ेंगे, ओ ए माइनस लंब भुजा ओ एल। तो समकोण त्रिभुज पी ओ एल से हमने पी एल स्क्वायर का मान लिया, इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए ओ एल में ए एल बराबर ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग होता है। इन दोनों पाइथागोरस प्रमेय के कथन अनुसार हमने पी एल स्क्वायर का मान और ए एल स्क्वायर का मान समीकरण नंबर एक में रखा। ये देखिए,
अब इसको यहां से कोष्ठक हटाइए, कोष्ठक हटने के बाद देखेंगे ओपी का वर्ग माइनस ओपी का वर्ग माइनस ओएल का वर्ग, कोष्ठक हटाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस। ध्यान रखिएगा जब हम कोष्ठक हटाते हैं कोष्ठक के बाहर यदि ऋण चिन्ह लगा होता है तो कोष्ठक के अंदर के प्रत्येक पद का चिन्ह बदलते जाता है। तो कोष्ठक में देखिए प्रथम पद जो धनात्मक है तो धनात्मक पद कोष्ठक हटाएंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक माइनस ओ ए का वर्ग, और ये ऋणात्मक ये ऋणात्मक दोनों का हो जाएगा कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस से माइनस ये प्लस ओ एल का वर्ग, ये कैंसल हो गए आपस में कट गए। अब जो शेष बचा जी पी ए इंटू पी बी बराबर हम कहां तक पहुंच गए ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, यहां तक आ गए ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है ना, पी ए इंटू पी बी का मान जो पहले बताए थे चित्र अनुसार रेखाखंड से मान लिखा था पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र से, फिर पी एल का मान और ए एल का मान इन दोनों मानों को हमने यहाँ समीकरण एक में रखा, कोष्ठक हटाया, कोष्ठक हटाने के बाद माइनस ओ एल का वर्ग और ये हो जाएगा प्लस ओ एल का वर्ग माइनस और प्लस दोनों का चिन्ह अलग अलग है। दो भिन्न पदों के दो समान पदों के चिन्ह यदि अलग हों तो आपस में कैंसल हो जाते हैं। तो अब शेष बचा पी ए इंटू पी बी बराबर ओ पी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। अब देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। अब ओ पी का वर्ग माइनस ओ टी, क्यों हमने ओ ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओ ए का मान ओ ए की जगह ओ एल ओ टी लिखा क्यों, चित्र में ध्यान से देखिए ओ ए और ओ टी वृत्त के त्रिज्या है, त्रिज्या जिसको हमने आर माना था, यदि ओ ए वृत्त के त्रिज्या है तो ओ टी भी वृत्त के त्रिज्या होगी क्योंकि एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती है। तब यहां लिखेंगे चूंकि ओ ए बराबर ओ टी बराबर आर, क्यों क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या है और एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं समान होती है। इसके पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, प्रमेय में पढ़े भी हैं, एक ही वृत्त के दो त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ओ ए बराबर ओ टी दोनों वृत्त के त्रिज्या है इसलिए हम ओ ए की जगह ओ टी लिख सकते हैं। इसमें देखिए तब हमने क्या लिखा ओ ए का मान ओ टी, ये समझ में आ गया आपको, ओ ए भी वृत्त के त्रिज्या है ओ टी भी वृत्त के त्रिज्या है दोनों आपस में समान होते हैं इसलिए हमने यहां से ओ ए का मान ओ टी लिखा। अब OP पुनः इसी चित्र में आइए, OP OT अब नीचे वाला त्रिभुज में देखिए POT POT में ये PT स्पर्श रेखा है इस और ओ टी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु टी से होकर जाने वाले त्रिज्या है। ध्यान से देखिए पी टी स्पर्श रेखा है और ओ टी स्पर्श रेखा के बिंदु टी से होकर जाने वाले त्रिज्या है। मैंने आपको बताया था एक प्रमेय 65 कथन याद कीजिए, प्रमेय 66 में भी उसका उपयोग किया था, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। पलट के देख सकते हैं आप प्रमेय का कथन, प्रमेय नंबर 65 में लिखा हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, तब यह हो जाएगा 90 अंश क्योंकि लंब है। तो यदि लंब है तो यह त्रिभुज पी ओ टी समकोण त्रिभुज बना, पी ओ टी समकोण त्रिभुज बना तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण
ओपी, ओपी भुजा कर्ण, ओटी भुजा लंब। तो ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग, हम कहां तक पहुंचे देखिए, ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग। ओपी कर्ण है तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में इसको हम कहते हैं कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। तो आधार भुजा कौन सा, ओपी कर्ण भुजा, ओटी लंब भुजा, तो आधार भुजा हो जाएगा पीटी। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार भुजा पीटी का वर्ग। तो हम क्या लेके चले थे, पी ए इंटू पी बी, और मिला क्या, पी टी का वर्ग। ये हमको सिद्ध करना था, सॉरी। पी ए इंटू पी बी बराबर, इसका मान हमने हमने भी लिखा, पी टी का वर्ग। इस प्रकार से हमारा प्रमेय जो हमें सिद्ध करना था यहां पर सिद्ध हुआ। ये प्रमेय यहां पर खत्म होता है। पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का वर्ग। यहां पर देखिए बीच बीच में कुछ स्थान बच रहे हैं, आप लिखते समय चूंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा जगह की कमी थी, आपके पास पूरा कॉपी का पन्ना होगा, लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी स्टेप का कारण खत्म ना हो, जैसे हमने पी एल माइनस ए एल इंटू पी एल प्लस ए एल, क्यों, क्योंकि हमने एल बी की जगह ए एल लिखा था, तो एल बी और ए एल दोनों समान क्यों होते हैं, क्योंकि ओ एल जीवा पर लंब है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संदर्भित करता है। इस प्रकार से यदि हम किसी कथन किसी चरण में किसी बात को समझा रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं, कि जब तक कि वो कारण खत्म ना हो तब तक अगले स्टेप नहीं जाएंगे। यहाँ भी हमारा जगह बचा हुआ था, लिखते समय ध्यान रखेंगे जब तक ये कारण लिखना खत्म ना हो जाए अगला स्टेप नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखा है। यदि आप इस कारण को सीधे सीधे दो लाइन में खत्म कर लेते हैं तो ये जो गैप है, ऐसे नहीं कि हम इधर कंटिन्यू लगातार स्टेप लिखते चलें और हमारा स्टेप यहाँ पे आकर खत्म हो जाए और कारण लिखते लिखते हम नीचे चले जाएं। तो ध्यान रखिएगा जैसे किसी स्टेप में जब तक कोई कारण खत्म लिखना कारण जो बता रहे हैं वो लिखना खत्म ना हो तब तक हम अगला स्टेप ना लिखें। इसका पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर क्यों लिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसी स्टेप का कारण उसी के सामने दिखना चाहिए। जो भी हम स्टेप लिखते हैं उसका कारण उसके सामने स्पष्ट होना चाहिए। तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लिखा, ये देखिए पी एल स्क्वायर का मान ये लिखा, ए एल स्क्वायर का मान यहाँ से लिखा। तो इन दोनों का मान ऐसा होता है जैसे हमने अभी समकोण त्रिभुज चित्र में देखा था, तो इस कारण को स्पष्ट कर देंगे यहाँ पर कि पी एल स्क्वायर का मान ये क्यों आता है, ए एल स्क्वायर का मान ये क्यों आता है, उसको आप यहाँ बगल में कारण वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, और जहाँ पर ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद वाले स्टेप में यहाँ लिखेंगे। तो इन दोनों का एक तो कहाँ से आए, उसका कारण यहाँ पर बगल में आना चाहिए कारण वाले कॉलम में, उसके बाद ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो शेष यहाँ पर एक बार बचता, देखिए ओ ए की जगह हमने ओ टी लिखा था, तो ओ ए और ओ टी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो जस्ट उसी के साथ ही जो हम कॉलम कथन में जो स्टेप हम लिखते हैं तो उसके बाद यदि उसी के कुछ कारण में बताना है तो उस स्टेप के बगल में लिखें, और जब तक कारण खत्म ना हो अगला स्टेप ना लिखें। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से प्रमेय 68 खत्म होता है। अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रमेय है। प्रमेय जो आपको बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण प्रमेय को ही बताया जा रहा है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ प्रमेय आपके पुस्तक में भी है, उन प्रमेय को मैं नहीं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते, केवल उनके कथन का उपयोग करके उस प्रमेय के जो कथन है
उन कथनों का उपयोग करके हम उसके अगले प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्नावली है 10.3 वहां से प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 10.3 में प्रश्न क्रमांक 2 देखिए आपके पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 273 में होगा। प्रश्न कहता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मिला आपको प्रश्न? यह भी प्रमेय ही है जिसको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रमेय की तरह सिद्ध करना ही प्रश्न में पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्या दिया है? सबसे पहले दिया है, लिखेंगे, दिया है एक वृत्त। सी केंद्र बिंदु, ओ त्रिज्या, आर वृत्त बना लेते हैं। सी ओ आर के व्यास, वृत्त का व्यास पी क्यू है, व्यास पी क्यू लेते हैं, केंद्र बिंदु ओ, वृत्त का केंद्र बिंदु ओ लिया और ओ बिंदु से जाता हुआ एक व्यास पी क्यू। वृत्त के व्यास, वृत्त सी ओ आर जिसका व्यास पी क्यू लिया, अब व्यास के दोनों छोर पर दोनों छोर कौन कौन से? पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु Q। तो व्यास PQ है तथा बिंदु P व Q बिंदु P व Q पर खींची गई दो स्पर्श
रेखाएं, दो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ए बी सी डी, दो स्पर्श रेखाएं ए बी व सी डी हैं। प्रमेय का कथन स्पष्ट हो गया। क्या दिया है प्रमेय में? एक वृत्त, वृत्त का व्यास, व्यास के दोनों छोर पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। अब हमें सिद्ध करना है कि उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। स्पर्श रेखा कौन कौन सा खींचा? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी की लंबाइयां समान होती है। ए बी और सी डी की लंबाइयां समान होती है, ए बी बराबर सी डी। इस कथन में, इस प्रश्न में रचना की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रश्न हमने चित्र ब्लैक बोर्ड में बनाया उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं उपपत्ति में। देखिए, उपपत्ति के लिए यहां पर ध्यान से देखिए, वृत्त का केंद्र बिंदु और PQ वृत्त का व्यास है, अर्थात वह केंद्र बिंदु से होकर जाता है, तो O से P वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। O P वृत्त की त्रिज्या है और AB, यहां ये लिखना भूल गया था, AB एक रेखा है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, तो OP वृत्त की त्रिज्या और AP स्पर्श रेखा है, तब इसको हम कह सकते हैं ये कोण यहां पर 90 अंश का बनेगा, लंब है। तब लिखेंगे, देखिए, कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर 90 अंश। क्यों? कारण बताएंगे, क्योंकि ओ पी ए बी पर लंब है, ओ पी ए बी पर लंब है और यह कथन आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। इसको कथन को आप यहां पूरा लिख सकते हैं और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, समीकरण नंबर एक। पुनः इसी प्रकार लिख सकते हैं OP त्रिज्या है, AB स्पर्श रेखा है, वैसे ही OQ, OQ भी वृत्त की त्रिज्या है और CD वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है और बिंदु Q से होकर जाने वाली त्रिज्या OQ है। तो यहां भी कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा बिंदु Q से होकर जाने वाली त्रिज्या OQ पर लंब है। इसी प्रकार से यहां से लिख सकते हैं कोण
सी क्यू ओ या बी डी क्यू ओ, इस कोण की बात करें, लंब तो दोनों पक्ष होगा, ये लंब है मतलब इधर भी 90 अंश का कोण बनता है, नीचे भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी लंब है तो ऊपर भी 90 अंश का कोण बनेगा, नीचे भी 90 अंश का कोण बनेगा। हम नीचे का कोण क्यों ले, अभी आपको समझाएंगे। देखिए डी क्यू ओ, डी क्यू ओ ये 90 अंश का बना, समीकरण नंबर दो मानेंगे इसको। अब ये 90 अंश क्यों है, कारण वही है क्योंकि ओ क्यू सी डी पर लंब है, ओ क्यू ओ क्यू सी डी पर लंब है और वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए समीकरण नंबर एक और दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक से कोण ए पी ओ भी 90 अंश का, कोण डी क्यू ओ भी 90 अंश का, जब दोनों कोण समान हो तब दोनों, समीकरण एक और दो से देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जब दोनों कोण 90 अंश के हैं तब कोण ए पी ओ बराबर कोण डी क्यू ओ, ये लिख दिया मैंने एपीओ समीकरण एक डी क्यू ओ समीकरण दो, तब समीकरण एक व दो से एंगल एपीओ इक्वल एंगल डी क्यू ओ। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण कैसे, देखिए सी डी और ए बी, इधर थोड़ी देर देखिए ए बी और सी डी, इसको एक रेखा काटती है और दो रेखाओं को एक त्रिरेखित रेखा काटे और एकांतर कोण समान हो, यहां पर देखिए ये दो रेखाओं को ए बी और ए बी दूसरी रेखा सी डी को एक रेखा काटती है, कौन सी रेखा, उसको हम पी क्यू मान लेते हैं, ये पी क्यू है, तो एक अतिरक्षित रेखा काटती है और एकांतर कोण समान हो, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण यदि समान हो, ये दोनों को एकांतर कोण कहेंगे। आपको बताया गया होगा पिछली कक्षा में, मैंने आपको समझाया भी था एकांतर कोण के लिए, इस प्रकार से दो रेखाओं को एक रेखा काटे तब इस प्रकार से जेड की आकृति में इधर के कोण और दूसरे साइड के कोण दोनों समान हो, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि ये रेखा हमेशा तिरछी हो, जैसे कि आपके इस चित्र में रेखा को सीधा लिया गया है तब ये वाली कोण और ये वाली कोण बिल्कुल उसी के जिक्र हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये दोनों समानांतर है और ये तिरक रेखा है, तब ये वाली ऊपर वाली कोण और नीचे वाला कोण दोनों आपस में समान है तो इनको एकांतर कोण कहेंगे, ये भी एकांतर कोण है, वैसे ही ये दोनों एकांतर कोण है। और जब दोनों एकांतर कोण आपस में समान हों तब तिरक्षित रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वे आपस में समांतर होते हैं, ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण है, स्पष्ट हो गया। एक कोण एपीओ और कोण डीक्यूओ, एपीओ डीक्यूओ दोनों एकांतर कोण है जो दो रेखा ए बी और सी डी के, ए बी और सी डी को जब रेखा पी क्यू काटती है तब एकांतर कोण बनते हैं और दोनों एकांतर कोण आपस में समान है। और जब दो एकांतर कोण आपस में समान होते हैं तब तिरक्षित रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है, या जिन रेखाओं पर यह कोण बनती है, जिन रेखाओं पर ये दो कोण बनती है वो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। इस प्रकार ए बी और सी डी, ए बी और सी डी समानांतर होंगे। हमें क्या सिद्ध करना था,
प्रश्न में देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, हम प्रश्न गलत लिख गए थे, पुस्तक में देखिए, स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, लंबाइयां बराबर नहीं होती, स्पर्श रेखाएं, यहां पर मैं मिटाऊंगा, बराबर नहीं दिखाना है क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, उनकी लंबाइयां अलग अलग हो सकती है, हमको समानांतर दिखाना था। तो वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमको समांतर दिखाना था, कौन कौन सा रेखा, ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी, मैं इसको मिटाऊंगा, ए बी और सी डी समांतर होती हैं, हमको समांतर दिखाना था और दोनों रेखाएं आपस में समानांतर सिद्ध हो गई, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न था सिद्ध होता है, पूर्ण होता है कि वृत्त के व्यास के दोनों छोर पर खींची गई इस पर रेखाएं समांतर होती हैं, इस पर रेखा ए बी और सी डी दोनों को हमने समांतर सिद्ध किया। चित्र देखिए और चित्र के आधार पर इसको समझिएगा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB है, बिंदु Q पर स्पर्श रेखा CD है और PQ वृत्त का व्यास है। हो गया, मिटाएं इसको। इस अध्याय में क्योंकि ज्यामिति का पाठ है और ज्यामिति वाले अध्याय में जितने भी प्रमेय हमने पढ़ा उन प्रमेयों पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास किया, आंकिक प्रश्नों को हमने हल किया, हल करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, नए परीक्षा प्रणाली में अब वैकल्पिक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन होता है ए बी सी डी, खाली स्थान वाले प्रश्न भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं, जितने प्रमेय हम पढ़े हैं उन प्रमेय में से प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न देखेंगे और अगली कक्षाओं में कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब अभी तक हमने पहले से लेकर के अब तक जितना प्रमेय पढ़े हैं उन प्रमेयों पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, खाली स्थान वाले प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होंगे और कुछ हल करने के लिए प्रश्न होंगे जो दो नंबर के लिए या तीन नंबर के लिए प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।